हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का जनरल एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है दोनों का, फिजिकल एजुकेशन का और जनरल एजुकेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि हमारे सामने दो टर्म हैं। सबसे पहला क्या है, फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड टर्म है हमारे सामने जनरल एजुकेशन। तो पहले जरूरत है कि हम इन दोनों को समझें, ये है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम रिलेशनशिप को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन क्या है आपने सुना होगा। एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, एजुकेयर इसका ये मतलब है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपने एजुकेशन के बारे में सुनी होंगी। एजुकेशन है क्या, बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी आपने अलग अलग ऑथर्स की। मैं आपको थोड़े इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। एक सिंगल सेंटेंस में अगर एजुकेशन को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग समबडी अबाउट समथिंग। एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को किसी भी चीज के बारे में टीच करे, मतलब एजुकेट करे, सिखाए, वो ही एजुकेशन है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको एजुकेशन क्या है। अब इसमें सिखाने में क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सिखाने में। वो जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास टीचिंग ही हो। एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा एक मन में एक जनरल आइडिया होता है, मिसकंसेप्शन मैं कहूँगा उसे, मिसकंसेप्शन होता है मन में सभी के कि स्कूल में हम जो पढ़ रहे हैं वही एजुकेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हम जाकर पढ़ रहे हैं वही एजुकेशन है। ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर करिकुलम होगा, एक ड्यूरेशन होगी, इस ड्यूरेशन में आप ये कोर्स कर रहे हैं तो वो एजुकेशन है। वो भी एजुकेशन का एक पार्ट है, वहाँ भी आप चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपकी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है और आपकी डेथ तक चलता रहता है। आप लाइफ के हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर मोमेंट में आप कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं। तो हर चीज़ एजुकेशन है। आपके पेरेंट्स ने आपको जो सिखाया वो भी एक एजुकेशन है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप स्कूल में जाकर जो सीख रहे हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है। एजुकेशन कई टाइप की होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाकर के जो एजुकेशन ले रहे हैं सिर्फ वही एजुकेशन है, वो तो एजुकेशन है ही। आपके लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस भी एजुकेशन है। आपके फ्रेंड ने आपको जो बताया, मतलब सीखने का पूरा प्रोसेस ही एजुकेशन है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो एजुकेशन आपके समझ में आ गया। एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि आपकी बर्थ से स्टार्ट होता है और आपकी डेथ तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा दूसरा टर्म है फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए, एजुकेशन के बारे में हमें पता चल गया, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी हुई है, फिजिकल। फिजिकल इसका क्या मतलब है, फिजिकल मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी से रिलेटेड हो कोई चीज़, हमारा फिजिक, हमारा जो फिजिकल स्टेटस है, हमारा मेंटल स्टेटस है, फिजिकल अपीयरेंस हमारा, हमारा सोशल, हमारा सोशली हम फिट हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन का मतलब है अ टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बॉडी, जिसका इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पर डायरेक्ट हो, वो एजुकेशन है जिसमें हम जिसे हम फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन के बारे के बीच आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया। एजुकेशन एक बहुत बड़ा दायरा है, मतलब हम कह सकते हैं जैसे ये क्या है, ये एजुकेशन हो गया। ठीक है, अब एजुकेशन के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, इसमें से एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये पूरा क्या है, ये एजुकेशन है, इसका एक छोटा सा पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। मतलब जहाँ फिजिकल लग गया, फिजिकल का मतलब है हम एक स्पेसिफिक फील्ड में आ गए हैं। एजुकेशन क्या था, एजुकेशन कुछ भी है, आपकी मतलब आप पैदा हुए उसके बाद से आपने कुछ भी सीखना शुरू करा तो आप सीख रहे हैं, हर चीज़ एजुकेशन है। आप खा रहे हैं तो वो एजुकेशन है, आप चल रहे हैं तो वो एजुकेशन है, आपने गर्दन मोड़ना सीख लिया तो वो एजुकेशन है, हर चीज़ एजुकेशन है। लेकिन जब हम फिजिकल उसमें ऐड हो गया तो हम एक स्पेसिफिक फील्ड की बात करने लगे हैं, फिजिकल विच इज़ रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बॉडी। ठीक है, अब सिंपल अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में सीखने का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, उसमें तो लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी ना, लैंग्वेजेस को आप सीखते हैं, लेकिन वो तो फिजिकल एजुकेशन नहीं है ना। फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टली हमारी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं,
what is the relationship between these two terms, physical education and education? तो जैसा कि मैंने बताया, physical education एक बहुत बड़ा दायरा है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा physical education है. physical education में एक इसका एक specific field के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. अब aim क्या है? physical education का aim है wholesome development of an individual, और education का भी यही aim है. education का क्या है? किसी को teach करना है, चीज़ें बतानी है, क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता. एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ये क्या है? एजुकेशन है. और फिजिकल एजुकेशन भी यही है. फिजिकल एजुकेशन का जो एम है वो है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. हमारी बॉडी पे पूरा फोकस होता है फिजिकल एजुकेशन का, और एजुकेशन का भी होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ही है, लेकिन उसका केवल हमारी बॉडी पर उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसका पूरे उस पर होता है. मतलब हम लैंग्वेजेस सीख रहे हैं वो भी एजुकेशन में आ जाएगी, जबकि वो नॉन फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन में तो आएगी ही आएगी. या कोई भी दूसरे नॉन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट सीख रहे हैं वो सारे किस में आएंगे? एजुकेशन में आएंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है. तो दोनों हम कह सकते हैं कि एक ही चिराग से निकलती हुई दो रोशनी है, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. तो इसमें बहुत सारी बातें दोस्तों बताई जा सकती हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप नहीं है, आप बहुत कुछ इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं. मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों. वैसे मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते. सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है दोस्तों. कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं. मिलते हैं अगली वीडियो में.